आप अभी आ गए जयपुर में तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जयपुर के अलावा इन 13 जगहों पर और लॉकडाउन, जैसा कि आजकल ये न्यूज चल रही है, काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है जयपुर के अलावा और काफी सारे जिले ऐसे हैं जिनमें काफी सारे कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो न्यूज में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हो जयपुर आने का इस महीने या फिर अगले महीने जनवरी में, तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए आना। इसके पीछे एक रीजन ये है कि अभी जो जयपुर में जो कंडीशन चल रही है कोविड-19 केसेस की, वो काफी खराब हो चुकी है। मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, मेरा ये होम टाउन है। अभी रिसेंटली मैंने कल एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें मैंने पढ़ा कि यहाँ पे केसेस काफी ज्यादा हो गए हैं सर, एक ही दिन में 745 से ज्यादा केसेस थे और कुछ डेथ्स भी हुई थी। इसी वजह से मुझे भी बाहर जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं ट्रेवल करने में, अदरवाइज मैं कहीं ट्रेवल करता इस टाइम। अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कुछ कोरोना कोविड-19 अपडेट से रिलेटेड ट्रेवलर्स के लिए स्पेशली। अगर आप एक ट्रेवलर हो तो आपको काफी सारी जगह जाना होता है, तो अगर आप वहाँ पे पहुंच जाते हो, अगर वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन होती है कोरोना की जैसे आपको अभी पता है, तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ही मेरे इंस्टा पे किसी से बात हुई और उन्होंने बताया कि वो प्लान कर रहे हैं जयपुर आने का, जयपुर जोधपुर इन जगह पर घूमने का, तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि अभी जहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब चल रही है, अगर आप ट्रेवल करना चाहते हो अवॉइड कीजिए यहाँ पर अभी आना, बिकॉज अभी के लिए बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। जैसा मैंने बताया 745 केसेस आए हैं सर, कल 600 कुछ केसेस निकले हैं यहाँ पे एक ही दिन में, और जैसा कि आपको बताया ये तो ऑफिशियल केसेस हैं जो लोग अपने जांच करवाने के लिए गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोविड में जांच नहीं कराते, अपने घर पे रहते हैं। तो मेन बात ये है कि अभी यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज अवॉइड करो, बिकॉज मैं खुद घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ अभी के लिए। राजस्थान सरकार ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर नाइट कर्फ्यू भी शुरू कर दिया है जो रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहता है, और शायद मार्केट लगभग 7 बजे बंद हो जाता है सारा। और उसके 2-3 दिन बाद ये न्यूज मिलती है कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है लगभग 31 दिसंबर तक। जयपुर के साथ साथ 13 और ऐसे जिले हैं जिनमें नाइट का लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ पर जाना भी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे। वो जिले हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, पाली, नागौर, अजमेर, टोंक, सीकर और गंगानगर। ये वो जिले हैं जिनमें नाइट का लॉकडाउन शुरू कर दिया है, और हो सकता है अगर आप यहाँ पर आते हो और ऐसी सिचुएशन अगर हो गई तो हो सकता है यहाँ पे दिन का जो लॉकडाउन जो पहले था वो स्टार्ट हो जाए अगर केसेस ऐसे ही चलते रहे। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग आइए जयपुर में घूमिए, बिकॉज बहुत ही अच्छी जगह है जयपुर, काफी सारी जगह है जो सच में मुझे भी पसंद है और सभी को पसंद आती है। बट स्टिल आप अगर आना चाहते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अच्छे रह सकते हो, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको मास्क हमेशा पहन के रखना है, उसके अलावा आपको सैनिटाइजर करते रहना है, इसके तीसरी बार आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। अगर ये चीज आप अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हो तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं समझता हूँ। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो क्यों आप ऐसे सिचुएशन में पड़ते हो, आप कहीं और ट्रेवल कर सकते हो तो अच्छा है। अगर आप नॉर्थ की तरफ से हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घूम सकते हो ऋषिकेश, मनाली, पंजाब, अमृतसर, उन जगहों पर आप घूम सकते हो। और अगर आप साउथ की तरफ से हो जैसे कि गुजरात या महाराष्ट्र उस तरफ से, तो आप गोवा जा सकते हो, आप गुजरात में काफी सारी जगह जा सकते हो, आप दमन दीव जा सकते हो। ऐसा नहीं मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, बस मैं ट्रेवलर फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए आप यहाँ पर मत आइए, और कहीं और जा सकते हो तो अच्छी बात है, जाइए वहाँ पर। बिकॉज अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। That is all for today's video, guys. Thank you so much if you are watching this video till now. अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको यहाँ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। और अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस भी नहीं देखी है तो जाइए प्लीज चेकआउट कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी जरूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।